भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। कार्तिक के माह में इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही पुण्य 10 गुना अधिक वृद्धि होती है, साथ ही संपूर्ण प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी भी अपने उन भक्तों पर प्रसन्न होती है जो कार्तिक माह के इन नियमों का पालन करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य का श्रवण करते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। नारद जी आगे बोले, जब रात की 2 घड़ी बाकी रह जाए तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश को लेकर के जलाशय के नज़दीक जाएं। कार्तिक माह में जहाँ कहीं भी जलाशय हो उस जल में स्नान करना बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से पुण्य में 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। वहीं यदि कोई मनुष्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करता है तब उसके पुण्य में 100 गुना अधिक की वृद्धि होती है। उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब वह बावड़ी में स्नान करता है, और यदि कोई मनुष्य पोखर में स्नान कर लेता है तब बावड़ी से भी अधिक उसे पुण्य प्राप्ति होती है। मनुष्य यदि झरने में स्नान करेगा तब उसे पोखर से भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक माह में नदी में स्नान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य किसी भी पुण्य नदियों के संगम में स्नान कर लेता है तब और 10 गुना अधिक उसे पुण्य प्राप्त होता है, और यदि कहीं पर 3 नदियों का संगम हो तब तो इस पुण्य की कहीं कोई सीमा नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्नान करने से पूर्व मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर स्नान करने का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः ध्यान करना चाहिए, उन्हें अर्ध आचमन इत्यादि प्रदान करना चाहिए। मंत्र का ध्यान करते हुए कहें, हे कमल नयन आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए हुए अर्ध को आप ग्रहण करें, इसे स्वीकार करें। बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपने पग को रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक माह में विधि विधान और श्रद्धा पूर्ण से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। कृपया कर मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे दामोदर, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा मेरे द्वारा दिए गए इस अर्ध को आप स्वीकार करें। कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाले मैं अर्ध देती हूँ, आप राधिका के सहित इसे स्वप्रेम ग्रहण करें। इस तरह से भगवान विष्णु शंकर और सूर्य देव का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि तक जल में खड़े होकर के श्रद्धा पूर्ण भाव से स्नान करें। जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले हैं उन्हें तेल और आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए, तथा जो विधवा और साध्वी स्त्री है उन्हें तुलसी के मूल में जो मिट्टी लगी रहती है उन्हें लगा कर स्नान करना चाहिए। सप्तमी अमावस्या, नवमी त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी, इन तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मनुष्य को मल स्नान करके पुनः मंत्र के द्वारा स्नान करना चाहिए। स्त्री
और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, बल्कि उन्हें पौराणिक प्रकार के स्नान का ही भाव करना चाहिए। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने 3 प्रकार के रूप धारण किए थे। वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु, अपनी कृपा से मुझे भी पवित्र बनाए, ऐसा ध्यान करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत को धारण करता है, उस मनुष्य की देवता आदि भी रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझे भी पवित्र कर दे। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता भी मुझे पवित्र करें। तत्पश्चात आप फिर से प्रार्थना करें, अदिति आदि सभी नारियां यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां एवं तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इतना कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात देवता, ऋषि, मनुष्यों एवं पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। तर्पण करते समय उस जल में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत तक पितृगण स्वर्ग लोक में वास करते हैं। उसके बाद कार्तिक व्रत को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त हो पुनः भगवान श्री हरि की पूजा और उपासना करें। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधानी पूर्वक चंदन, पुष्प, फल, फूल, अष्टगंध, धूप, दीप इत्यादि से भगवान श्री विष्णु को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय इस मंत्र का भी ध्यान करें। उस समय मंत्र का ध्यान इस प्रकार करें, मैं पवित्र कार्तिक मास में स्नान कर रही हूँ, हे विष्णु, हे राधे, मेरे साथ दिए गए इस अर्घ्य को आप कृपया कर ग्रहण करें। फिर वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक भोजन करें, उन्हें तांबूल अर्पण करें और चंदन लगाएं, फिर बारंबार उन्हें नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसलिए भूल कर भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही इनका विरोध ही करना चाहिए। एकाग्र भाव होकर के भगवान श्री हरि के प्रिय तुलसी मैया की पूजा करें, फिर परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उस समय आप फिर से मैया तुलसी से भी प्रार्थना करें। इस प्रकार से कहें कि हे देवी, हे तुलसी माँ, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने सदा ही तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है, मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट करो और मुझे सुख सौभाग्य दो। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वैकुंठ धाम जाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 6 अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।